नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। एंड दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही बड़ी हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग यूट्यूब पर नया यूट्यूब चैनल क्रिएट किया या फिर नया चैनल क्रिएट करने की सोच रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, नया चैनल क्रिएट करने के बाद सबसे ज़्यादा टेंशन होती है यार, चैनल के वीडियोज़ पर व्यूज़ नहीं आते या फिर अपना जो चैनल है किस प्रकार से यहाँ पर फास्ट उसको ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से अपने जो चैनल को यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं, मतलब कि किस प्रकार से उसको मैनेजमेंट कर सकते हैं, किस प्रकार से उसके ऊपर एनालिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक चैनल मैनेजमेंट टूल के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसकी मदद से आपके जो चैनल का व्यूज अच्छे खासा ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा एंड आपका जो चैनल काफी फास्ट तरीके से ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिए ताकि आपको समझ में आए कि किस प्रकार से इस टूल को यूज करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जिस चैनल मैनेजमेंट टूल के बारे में मैं बात करने वाला था उसका नाम है VidIQ चैनल मैनेजमेंट टूल। क्योंकि दोस्तों, VidIQ चैनल मैनेजमेंट टूल एक YouTube सर्टिफाइड टूल है जिसके जरिए आसानी से अपने जो चैनल के ऊपर ग्रो कर सकते हैं। एंड दोस्तों, इस VidIQ चैनल मैनेजमेंट टूल के साथ साथ आपको काफी सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं YouTube का SEO हो गया, YouTube के SEO के टॉप रैंकिंग कीवर्ड्स हो गया, साथ ही दोस्तों जो डिस्क्रिप्शन रहता है YouTube के अपलोडिंग के टाइम आपको जो सजेस्टेड कीवर्ड्स प्रोवाइड करते हैं, साथ ही दोस्तों बात करें और भी कुछ आपको एनालिटिक्स देखने को मिल जाता है इस चैनल मैनेजमेंट टूल के साथ। साथ ही दोस्तों, अपने चैनल के जो वीडियोज है उस वीडियो में आपको ऑर्गेनिक सर्च मिल जाता है, मतलब कि मैक्सिमम आपको जो ऑर्गेनिक व्यूज है ऑर्गेनिक सर्चेस आपको मिल जाते हैं। एंड दोस्तों, बहुत सारे टॉप मिलियन वाले यूट्यूबर्स इस टूल के ऊपर इस्तेमाल करते हैं अपने चैनल को मैनेजमेंट करने के लिए, मतलब कि एनालिसिस करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको इस चैनल मैनेजमेंट टूल की लिंक चाहिए, मतलब कि वेबसाइट की लिंक चाहिए, तो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। एंड साथ ही दोस्तों, अगर आपके पास फायरफॉक्स या फिर क्रोम ब्राउजर है तो यह पर दे सकते हैं, दोनों के लिए इस टूल का एक्सटेंशन अवेलेबल है, आप आसानी से अपने चैनल के साथ इस टूल के ऊपर लिंक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं VidIQ चैनल मैनेजमेंट टूल का जो वेबसाइट, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने वेबसाइट को खोला है या फिर मैंने ज्वाइन किया, मतलब कि साइनअप किया है। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं साइनअप करने के साथ आपको साइन इन करना है, साइन इन करने के साथ YouTube SEO यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं, मतलब जो पहला ऑप्शन आपको मिल जाता है एनालिसिस का, पूरे के पूरे चैनल का आपको यहाँ पर देख सकते हैं एनालिसिस कर सकते हैं, इसके अलावा हर एक वीडियो के ऊपर एनालिसिस भी कर सकते हैं, मतलब दोस्तों कितना आपको ऑर्गेनिक व्यूज है, उसके बाद सजेस्टेड व्यूज कितना आता है, इसके साथ आपको जो YouTube का सर्च कितना परसेंट आपको ऑर्गेनिक व्यूज आता है आप आसानी से फाइंड आउट भी कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों बात करेंगे YouTube का जो ओवरव्यू है, पर आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं YouTube का व्यूज है, लाइक्स है, डिसलाइक्स है, कमेंट्स है, उसके बाद दोस्तों बात करेंगे सब्सक्राइबर काउंट्स है। एंड साथ ही दोस्तों बात करेंगे ट्रैफिक, मतलब कि किस प्रकार से आपको ट्रैफिक मिल जाता है, मतलब कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक है कि नहीं, वो भी आप आसानी से फाइंड आउट भी कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों बात करेंगे टॉप रैंकिंग वीडियोस, कहाँ से आपके ऊपर जो वीडियोस यहाँ पर व्यूज आ चुका है एंड कौन से यहाँ पर टॉप यूट्यूब सर्चेस से आप आसानी से पर फाइंड आउट भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे सीधा आप यहाँ पर यूट्यूब का चैनल खोल सकते हैं एंड यूट्यूब का चैनल खोलने के साथ साथ जैसे कि मैंने कहा था कि आप आसानी से ब्राउजर में एक्सटेंशन ऐड करके अपने यूट्यूब चैनल के साथ साथ इस टूल के ऊपर लिंक भी कर सकते हैं। ऊपर की तरफ से देख सकते हैं, मतलब कि राइट साइड में ऊपर की तरफ से देख सकते हैं इस VidIQ टूल का जो आपको एक्सटेंशन मिल जाता है उसमें जाने के साथ सारे आपको ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों बात करेंगे चैनल के जो कैटेगरी, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कॉम्पिटिटर, उसके बाद ट्रेंड अलर्ट है, मोस्ट व्यूड वीडियो, उसके बाद चैनल ऑडिट है, उसके बाद वीडियो एकेडमी है, मतलब कि VidIQ का जो एकेडमी है पर ज्वाइन भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे वीडियो सेक्शन में जाने के बाद, वीडियो सेक्शन में जाने के बाद ऊपर की तरफ से देख सकते हैं VidIQ की जो सिंबल है, सिंबल पर क्लिक करने के बाद CSV एक्सपोर्ट है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे मास एडिट वीडियो, मतलब कि एक साथ वीडियोस को एडिट भी कर सकते हैं एक ही साथ सारी सारे एंड स्क्रीन, उसके बाद दोस्तों कार्ड को चेंज कर देना एंड डिस्क्रिप्शन मैनेजमेंट, डिस्क्रिप्शन का जो कैंपेन है, मतलब कि एक ही साथ सारी सारे डिस्क्रिप्शन को चेंज कर देना। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे वीडियो सेक्शन में, जैसे कि मैंने कहा था कि हर एक वीडियो के ऊपर देख सकते हैं एनालिटिक्स कर सकते हैं कितना व्यूज है, कहां से व्यूज आ रहा है, साथ ही दोस्तों बात करेंगे ऑर्गेनिक सर्चेस है, ऑर्गेनिक व्यूज है, सब कुछ आप आसानी से फाइंड आउट भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट, जैसे कि मैंने कहा था कि डिस्क्रिप्शन कैंपेन, मतलब कि एक ही साथ सारे वीडियोज का जो डिस्क्रिप्शन है आप आसानी से यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, मतलब कि आपको हर एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी दोस्तों सब्सक्राइबर एनालिसिस, साथ ही दोस्तों बात करेंगे सब्सक्राइबर काउंटिंग, आप सभी को पता है, लेकिन उसके बाद बात करेंगे YouTube का SEO, मतलब YouTube का SEO यहाँ पर फाइंड आउट कर रहा है, मतलब कि सजेस्टेड कीवर्ड्स एंड टॉप रैंकिंग कीवर्ड्स आप आसानी से यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं SEO की मदद से। जैसे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर कुछ वीडियोज एंड कुछ वीडियोज के नीचे यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कुछ कीवर्ड्स, मतलब कि टैग्स ऐड किए हैं, लेकिन दोस्तों मैंने जो टैग्स ऐड किए उसके नीचे यहाँ पर देख सकते हैं मुझे कुछ रिकमेंडेड टैग्स है, मतलब कि टॉप रैंकिंग सजेस्टेड कीवर्ड्स मुझे मिल जाते हैं जिसके मैं आसानी से यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं मेरे टॉप वीडियोज के ऊपर रैंकिंग करने के लिए। तो दोस्तों आपको हर एक वीडियो की कैटेगरी के ऊपर, मतलब कि कैटेगरी के टाइटल के ऊपर आपको सजेस्टेड कीवर्ड भी यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आपको टॉप रैंकिंग कीवर्ड्स फाइंड आउट करना है, मतलब कि सजेस्टेड कीवर्ड फाइंड आउट करना है, यहाँ पर देख सकते हैं कीवर्ड रिसर्च में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, मान
कि चलिए दोस्तों मुझे एक वीडियो करना है कॉमेडी के ऊपर, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सजेस्ट किया कॉमेडी वीडियोस। तो कॉमेडी वीडियोस के ऊपर देख सकते हैं मुझे काफ़ी सारे यहाँ पर कीवर्ड्स मिल जाते हैं और उसका जो वॉल्यूम है मतलब कि सर्च वॉल्यूम है उसका सर्च स्कोर भी आपको आसानी से मिल जाता है। साथ ही दोस्तों बात करेंगे कॉम्पिटिशन स्कोर मतलब कि कितना कॉम्पिटिशन आपको इस टॉपिक मतलब इस टाइटल या फिर इस टैग के ऊपर आपको मिल जाता है। तो दोस्तों जिस कीवर्ड्स का कॉम्पिटिशन कम है एंड उसका जो सर्चेस वॉल्यूम ज़्यादा है तो उस कीवर्ड को आसानी से पर फाइंड आउट करके मतलब कि इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टाइटल में या फिर टैग्स में, क्योंकि दोस्तों उसी के कीवर्ड्स के जरिए आसानी से अपने वीडियोस को रैंकिंग करवा सकते हैं या फिर उसको यहाँ पर सजेस्टेड में डाल सकते हैं। तो दोस्तों इस कीवर्ड रिसर्च के मदद से आप आसानी से पर टॉप रैंकिंग कीवर्ड्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे और भी कुछ टैग्स एडेड मतलब कि जितने आपको टैग्स ऐड करना है ऐड भी कर सकते हैं सजेस्टेड या फिर रिकमेंडेड के जरिए। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट फीचर्स के बारे में जिसका नाम है कॉम्पिटिटर्स, मतलब कि आप अपने चैनल के साथ साथ और भी कुछ चैनल के ऊपर कंपेयर कर सकते हैं या फिर उसके साथ एनालाइज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं मैंने आपको एक टॉप सुपरस्टार अमित बड़ाना, उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर दे सकता है टॉप मोटिवेशनल स्पीकर विवेक जी के ऊपर एनालिसिस के रूप में लिए है। वैसे दोस्तों इन लोगों का कंपेयर करना बहुत ही बड़ी गलती होगी, लेकिन यहाँ पर दे सकते हैं एग्जाम्पल के लिए तौर पर यहाँ पर दे सकते हैं मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से इस चैनल का आप आसानी से मैनेजमेंट मतलब कि एनालाइज भी कर सकते हैं कि इनके कौन से वीडियोज आज की डेट पे यहाँ पर दे सकते हैं टॉप रैंकिंग में मतलब कि टॉप व्यूज में आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड दोस्तों नीचे की तरफ से दे सकते हैं ट्रेंडिंग वीडियोज फ्रॉम सिलेक्टेड कंपिटिटर्स, मतलब कि इनके चैनल में कौन से ऐसे वीडियोज जो यार आज के डेट पे काफी ज्यादा व्यूज आ रहे हैं मतलब कि टॉप ट्रेंडिंग में आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ ही दोस्तों बात करेंगे ऊपर की तरफ से इंक्लूड माय वीडियोस, मतलब कि इनके साथ अपना चैनल का वीडियोस यहाँ पर कंपेयर भी कर सकते हैं मतलब कि कौन से टॉपिक मतलब कि कौन से वीडियोस के ऊपर इनका यहाँ पर रियल टाइम में ज़्यादा व्यूज़ आता रहता है। तो दोस्तों इसका फायदा और एक ऐसा होता है कि आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से वीडियोज़ पर रियल टाइम व्यूज़ आता रहता है, तो उसी के ही सेम टॉपिक पर आप आसानी से वीडियोज़ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो चैनल मैनेजमेंट का बेसिक प्लान मतलब कि बेसिक टूल का प्लानिंग है। एंड दोस्तों इसके बाद और भी कुछ यहाँ पर तीन प्लान देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि वीडियो क्यू चैनल मैनेजमेंट आपको प्रो प्लान मिल जाता है, उसके बाद आपको बूस्ट प्लान मिल जाता है जिसके जरिए आप आसानी से 2x फास्ट मोर व्यूज गेन कर सकते हैं। एंड उसके बाद तीसरा प्लान दे सकते हैं बूस्ट प्लस प्लान। एंड दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं बेसिक प्लान के साथ साथ आपको और भी कुछ फीचर प्रोवाइड किए जाते हैं इस तीन प्लान के साथ, प्रो प्लान है, उसके बाद बूस्ट प्लान है एंड तीसरा दे सकते हैं बूस्ट प्लस प्लान है। एंड दोस्तों इन प्लान के यहाँ पर सब्सक्रिप्शन यहाँ पर दे सकते हैं, फर्स्ट प्लान का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाता है सिर्फ $10 पर मंथ का। उसका दोस्तों बात करेंगे बूस्ट प्लान का जो चार्जेस है आपको $49 पर मंथ का है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे तीसरा $499 है जिसमें आपको स्पेशल कोचिंग मिल जाते हैं स्पेशली अपने चैनल के लिए। तो दोस्तों आज अपने चैनल को फास्ट आपको ग्रो करना है तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इस टूल के ऊपर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप आसानी से अपने चैनल के लिए इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सटेंशन की मदद से या फिर वेबसाइट की मदद से। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।